Hi guys, wish you a very very good morning. First of all, happy Independence Day. This is Meech Joshi and I would like to welcome you on our channel Achievers. This is 15th of August 2020 and we are going to take today's the Hindu news analysis. Okay, so let's have it because aaj kuch special day hai. Toh special news discuss karenge hum log. The first news is Supreme Court finds Bhushan guilty for contempt for tweet. Okay, contempt for tweet ko lekar guilty jo hai feel karwaya gaya hai. Supreme Court ne paya hai ki Bhushan is baat ke liye guilty hai. What is the matter here? The Supreme Court on Friday found civil rights lawyer Prashant Bhushan guilty for criminal contempt by scandalizing the court. Scandalizing the court ka jo contempt hai, criminal contempt, uske liye guilty पाया गया है प्रशांत भूषण को और उसी के बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है. द थ्री जज बेंच सेड हिज ट्वीट ऑन अ फोटोग्राफ ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई शरद ए बोर्ड पे एस्ट्राइड द बाइक एंड अनादर ऑन द कोर्ट्स रोल इन द पास्ट सिक्स ईयर्स स्कैंडलाइजिंग द सुप्रीम कोर्ट एज एन इंस्टीट्यूशन. बेसिकली शरद जो है शरद मिस्टर शरद इज द जस्टिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई एंड उनका एक सोशल मीडिया पे पिक्चर वायरल हुआ था दैट ही वाज ऑन बाइक. ओके एंड उसी को लेकर जो है काफ़ी इशू बनाया गया था. काफ़ी अजीब से स्टेटमेंट्स भी दिए गए थे प्रशांत भूषण जी द्वारा. तो उसी के बेसिस पर जो है थ्री जज की बेंच बैठाई गई और ये डिसीज़न लिया गया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये डिसीज़न दिया गया है कि प्रशांत भूषण जो है वो गिल्टी हैं इस बात को लेकर. सो वी विल टेक द डिसीज़न अकॉर्डिंगली. ओके बेसिकली प्रशांत भूषण के केस के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा. जुडिशरी इन द सेंट्रल पिलर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी एंड अटेम्प्ट टू शेक द वेरी फाउंडेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी हैज़ टू बी डील्ड विद एन आयरन हैंड एंड क्रिटिक्स आर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ रिफॉर्म बट नॉट दोज एक्चुएटेड by malice. Hostile criticism of judges as judges or judiciary would amount to scandalizing the court if such an attack is not dealt with requisite degree of firmness. It may and prestige it may affect the national honor and prestige in the committee of nation. So it is all about this case. उनके ऊपर जो टिप्पणी की गई थी क्रिटिसिज्म किया गया था और उसके साथ ही जो जुडिशल सर्विसेज पर मतलब जो हम कह सकते हैं कि कोर्ट सर्विसेज जजेस पर जुडिशरी पर जो कमेंट किया था उनको लेकर के एक ही केस चल रहा था उसको लेकर के काफ़ी चर्चा में थे प्रशांत भूषण जी और इसी को लेकर स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट से रिलेटेड जो मामला है कंटेम्प्ट है उनके ऊपर फाइल किया गया था. एंड लेट्स सी कि आगे क्या डिसीज़न आता है. बट हियर ये ज़रूर जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया है थ्री जजेस की बेंच द्वारा दिया गया है कि ये जो है ये इनोसेंटली किया गया है और इसके लिए गिल्टी भी है प्रशांत भूषण की. सो द डिसीज़न विल बी गिवन अकॉर्डिंग टू दैट थिंग. ओके द नेक्स्ट आर्टिकल इज गहलोत गवर्नमेंट्स विन राजस्थान ट्रस्ट वोट. गहलोत की सरकार ने राजस्थान ट्रस्ट वोट जीत लिया है. कांग्रेस एमएलएज क्लोज रैंक्स इन थ्री आर डिबेट. तीन घंटे की डिबेट के बाद में कांग्रेस एमएलएज जो है काफ़ी क्लोज रैंक्स पे पहुंचे हैं. गहलोत जी को काफ़ी समर्थन मिला है इस चीज़ में. द अशोक गहलोत लेड कांग्रेस गवर्नमेंट ऑन फ्राइडे वॉन अ कॉन्फिडेंस वोट ऑन द फ्लोर ऑफ द राजस्थान असेंबली. राजस्थान असेंबली के फ्लोर पे जो है कॉन्फिडेंस वोट जीता गया है अशोक गहलोत जी द्वारा और ये देखने को मिला है कि काफ़ी विश्वास है एमएलएज एमपीज के अंदर अशोक गहलोत जी को लेकर इवन आम जनता को भी राजस्थान की. सो लेट्स सी बेसिकली मैटर क्या है. सचिन पायलट और अशोक गहलोत जो है वो काफ़ी लंबे समय से आपस में एक दूसरे से जो है इनका मिसमैच मतलब हम कह सकते हैं कि मैच वॉज नॉट गोइंग एंड उसी के चलते काफ़ी अभी चर्चा में रही है राजस्थान की पॉलिटिक्स. सचिन पायलट जी को भी जो है पदस्थ कर दिया गया है और उसी के चलते काफ़ी इश्यूज भी क्रिएट हुए लोगों में ने काफ़ी हंगामा भी किया लोगों में काफ़ी आक्रोश भी देखने को मिला क्योंकि देश देखिए राजस्थान की 70% जनसंख्या अगर अशोक गहलोत जी के समर्थन में है तो 30% कहीं ना कहीं सचिन पायलट जी को समर्थन देती है.
और इसमें कोई दो राय नहीं, इवन इससे ज़्यादा ही है, है ना। तो उसको देखते हुए फिर भी जो एक डिबेट चला, जो एक MLA का जो एक पूरा क्लोज वोट्स के बेसिस पर अगर बात करें, तो अशोक गहलोत जी ने अभी अपने आप को प्रूव कर दिया है दैट ही इज़ स्टिल द डोमिनेटिंग पर्सन इन राजस्थान, आई मीन इन राजस्थान पॉलिटिक्स। सो हेयर वी कैन से दैट पायलट इज़ स्टिल ऑन द सिचुएशन वेयर दे कांट गो थ्रू द, बेसिकली सिचुएशन ये है कि राजस्थान पॉलिटिक्स जो है वो ना तो सचिन पायलट जी को छोड़ सकती है, ना आम जनता छोड़ने देगी, और ना ही वहाँ की पार्टी अफोर्ड करती है अशोक गहलोत को छोड़वाना। तो अब दोनों एक दूसरे की एक ही पार्टी में रह करके एक दूसरे के साथ में वर्क करने में थोड़ा सा कंपैटिबल नहीं फील कर रहे हैं, उसी को चलते ये पूरा इशू क्रिएट हुआ है। द हाउस विच ऑल्सो कंडोल द डेथ ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स इन द इंटरवेंटिंग पीरियड since the previous year, previous session was adjourned till 21st August after the confidence motion was passed. Okay, so it is all about it. Confidence motion के पास होने के बाद में adjourned कर दिया गया है पिछले session को भी, and 21st August तक के लिए hold करने की बात कही गई है session को. So let's see what is going to be the next and क्या decisions रहते हैं, क्या कहाँ की क्या सरकारें हैं जो कितना सपोर्ट कर पाती हैं, ये सारी चीज़ें जो है बीजेपी ने भी काफ़ी ट्राई किया कि वो कैसे भी करके इस पर्टिकुलर सिचुएशन को ओवरकम करते हुए बीजेपी लीड कर सके, बट वो भी पॉसिबल नहीं हो पाया। लोगों में जो क्रेज़ दिखा है वो कांग्रेस का ही दिखा है, और वो भी अशोक गहलोत का ही दिखा है। तो समवेयर लेट्स सी व्हाट इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट एंड व्हाट विल बी द डिसीजन फर्दर। द नेक्स्ट आर्टिकल इज़ इंडिया बिलीव्स इन पीस सेज प्रेसिडेंट कोविंद, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद का स्टेटमेंट आया है फ्राइडे को, उन्होंने ये कहा कि भारत पीस में बिलीव करता है, लेकिन अगर बात आती है रिप्लाई करने की तो हम सामने वालों से भी जो है स्ट्रॉन्ग रिप्लाई कर सकते हैं, बट हेयर वी बिलीव इन पीस, वी डोंट बिलीव इन एग्रेशंस, दैट्स वाई वी आर साइलेंट। ये बात उन्होंने स्टेटमेंट जो दिया है ये गलवान वैली क्लैशेस से रिलेटेड दिया है, और जो नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ में, नेबरहुड के साथ में जो भी इश्यूज चल रहे हैं उन सब के मामले में ये डिसीज़न या ये स्टेटमेंट जो है ये रामनाथ कोविंद जी द्वारा दिया गया है। उनका ये कहना है कि हम जो है लड़ाई फाइटिंग को सेक्रीफाइस कर रहे हैं ओनली बिकॉज ऑफ आर नेशनल प्राइड, वी आर जस्ट डूइंग बिकॉज वी हैव द नेशन्स प्राइड, बट हेयर वी कांट अफोर्ड द डेथ्स ऑफ इंडियन सोल्जर्स। जैसा कि आप सभी को पता है अभी पिछले दिनों भी दो सोल्जर्स जो हैं, कल की ही बात है, दो सोल्जर्स मारे गए हैं मुठभेड़ में। तो वही चीज़, वही स्टेटमेंट सामने आ रहा है कि गलवान वैली में जो सिचुएशन हो रही है, पाकिस्तान के साथ जो सिचुएशंस है LOC LAC दोनों जगहों पे, या इवन इसके अलावा नेपाल से रिलेटेड जो सिचुएशन है जिससे हमारे सोल्जर्स काफ़ी लंबे समय से जूझ रहे हैं, उसके लिए प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है कि भारत पीस शांति में बिलीव करता है हमारी। और रही बात जवाब देने की, तो हम उससे भी कहीं ज़्यादा, उनसे भी कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और रिप्लाई हम कह सकते हैं एग्रेसिव रिप्लाई दे सकते हैं, बट वी डोंट बिलीव इन दिस, दैट्स व्हाई वी आर नॉट डूइंग। ओके, सो ही सेड दैट COVID-19 पेंडेमिक हैड अबॉलिश्ड द इल्यूजन एंड ह्यूमंस आर द मास्टर्स ऑफ नेचर। ओके, so it is said by Mr. Ramnath Kovind in his address to the nation on the eve of 74th Independence Day. Mr. Kovind did not name China but hailed Indian soldiers. उन्होंने चाइना को नहीं लेकिन इंडियन सोल्जर्स को है हेल अप किया है, एंड जिन लोगों ने अपना सेक्रीफाइस किया है अपनी जाने गवाई है, उन सभी को जो है काफ़ी उन्होंने उनके लिए अपना स्नेह भाव प्रकट किया है। और इसके अलावा जो भी चाइना ले लीजिए पाकिस्तान, तो उन लोगों को कहीं पर भी उन्होंने मेंशन नहीं किया है। ठीक है, तो ये जो है काफ़ी अच्छा स्टेटमेंट है, और ये स्टेटमेंट जो है 15th August इंडिपेंडेंस डे की स्पीच के चलते उन्होंने दिया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे PM मिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में। PM हैज़ पुट इन प्लेस एन अल्टरनेटिव आइडिया ऑफ इंडिया, स्कॉलर्स साइट BJP's एक्सपांशन विद मोदी एट द हेल्म एज ही बिकम द लॉन्गेस्ट सर्विंग नॉन कांग्रेस PM। On Thursday, PM Narendra Modi became the longest serving non-Congress PM. Non-Congress PM जो है पहली बार पाए गए हैं
पहले व्यक्ति हैं ये, और अटल बिहारी वाजपेयी थे, अटल बिहारी वाजपेयी एंड बिकमिंग द फोर्थ लॉन्गेस्ट सर्विंग इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया इज मिस्टर नरेंद्र मोदी. इन टू द सेकेंड ईयर ऑफ द सेकेंड टेन्योर ही इज़ पोइज्ड टू टेक ओवर डॉक्टर मनमोहन सिंह रिकॉर्ड टू ऑफ सर्विंग टू फुल टर्म इन अ रो एंड अ डिकेड एट द हेल्म. ओके, सो इट इज़ ऑल अबाउट इट एंड काफ़ी अच्छा ये पूरा दिया गया है यहाँ पे. एंड इसके अंदर पूरा एनालाइजेशन पूरा एनालिसिस दिखाया गया है बेसिकली कि किस तरीके से डेमोक्रेसी चल रही है और किस तरीके से जो है चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी के बारे में भी बात की गई है. मिस्टर नरेंद्र मोदी, उनके अल्टरनेटिव आइडियाज़ पर बात की गई है और आम जन का एक नॉन कांग्रेस पीएम के प्रति प्रेम को यहाँ पे डिस्कस किया गया है. ठीक है, सो लेट्स सी, इट्स वेरी गुड. एंड आज जो आने वाला है, जो स्पीच होने वाली है मिस्टर नरेंद्र मोदी जी की, उसे ज़रूर देखिएगा क्योंकि काफ़ी यूज़फुल होती है वो हमारे एग्ज़ाम्स के लिए और काफ़ी कुछ आइडियाज़, काफ़ी कुछ इम्प्लीमेंटेशन, काफ़ी कुछ थॉट प्रोसेस जो है हमें समझने, देखने, सुनने को मिलता है. सो डोंट फॉरगेट टू जॉइन द मिस्टर नरेंद्र मोदी और आई सेड आर पी एम्स एड्रेस टू नेशन. ओके, द नेक्स्ट आर्टिकल इज बेसिकली टॉकिंग टफ, द सेंटर मस्ट रीअरेंज विद NSCM IM एंड विदाउट गिविंग इन टू इट्स आर्बिट्री डिमांड. 5 years since the signing of the framework agreement between the Indian government and the National Socialist Council of Nagalism, Isaac Mivyak, है ना, तो उनके बारे में जो उनके बीच में जो सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नेगलिज्म को लेके बीच में और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में जो साइन हुआ है उसके 5 साल बाद में, द डेडलॉक इन द टॉक्स दैट केम इन अबाउट इन अक्टूबर 2019 जो है वो डेडलॉक दी गई थी और उसके बाद में बॉटलनेक्स की इमरजेंसी घोषित कर दी गई थी. द NSCM हैज़ डिमांडेड द नागालैंड गवर्नर RN रवि शुड बी रिमूव्ड एज द इंटर लोकेटर फॉर टॉक्स ऑन द नागा अकॉर्ड. नागा अकॉर्ड को लेकर अपनी उनकी जो स्टेटमेंट्स थे, उनकी जो वार्तालाप थी, उसके आधार पर ये कहा गया है कि नागालैंड के जो गवर्नर हैं RN रवि, उन्हें हटाया जाना चाहिए. ये जो हम कह सकते हैं जो एग्रेशन है या इसको लेकर जो डिमांड है वो नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नेगलिज्म में देखने को मिल रही है. और लेट्स सी व्हाट इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट. एंड उससे रिलेटेड पूरा आर्टिकल है ये कि नागालैंड से रिलेटेड, नागा ग्रुप से रिलेटेड उनकी क्या डिमांड है. और NSCN जो है, मतलब नागालैंड सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालिज्म, उससे रिलेटेड जो स्टेटमेंट्स हैं, उनसे रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो क्या है, ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल में दी गई है. आप इसे खुद से पढ़ेंगे और मुझे NSCM के बारे में कमेंट सेक्शन में बताएंगे. ठीक है, और NNPG के बारे में भी बताएंगे आप मुझे. द नेक्स्ट इज़ लिमिटेड पीस, इफ़ द UAE डज नॉट पुश इज़राइल टू, ये इज़राइल और UAE का मैटर यहाँ पे डिस्कस किया गया है. इनके बीच में जो शांति वार्ता जो की गई है उससे रिलेटेड जो है अरब इज़राइल रिलेशंस को यहाँ डिस्क्राइब किया गया है. पिछले कुछ सालों से, पिछले कुछ टाइम से जो रिलेशंस चल रहे हैं, जो फॉर्मलाइज रिलेशन चल रहे हैं, उनके बारे में डिस्कस किया गया है. एज़ पार्ट ऑफ द डील अनाउंस बाई US प्रेजिडेंट ट्रंप ऑन थर्सडे, द UAE वुड रिकोगनाइज द स्टेट ऑफ इज़राइल एंड स्टैब्लिश फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन विद इज़राइल. ये कॉन्ट्रोवर्शियल मैटर है और काफ़ी इश्यूज़ UAE और इज़राइल के बीच में देखने को मिल रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड पूरा आर्टिकल है कि अरब पीस इनिशिएटिव्स को बताया गया है यहाँ पे. सऊदी अरब से रिलेटेड जो मैटर्स चल रहे थे इज़राइल के, उनके ऊपर पीस रिलेशंस पर डिस्कस किया जा रहा है. और इसके अलावा UAE और इज़राइल के बीच में जो कॉम्प्लिकेशंस चल रहे हैं उन्हें भी यहाँ पे डिस्कस किया गया है और उसका प्रभाव फॉरेन पॉलिसीज़ पे क्या चल रहा है, उसका प्रभाव दोनों देशों की डिप्लोमेटिक रिलेशंस या डिप्लोमेटिक विक्ट्री पर क्या है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. और उसके अलावा जो हम कह सकते हैं कि जो लेन देन है या ट्रेडिंग जो है उससे रिलेटेड, जो एक्सचेंज हो रहा है उससे रिलेटेड क्या डिस्कशन या क्या जो इम्पैक्ट है वो देखने को मिलेगा. और उसके अलावा दोनों ही देशों के प्राइम मिनिस्टर या लीडर्स के जो स्टेटमेंट्स हैं उनको भी यहाँ पे डिस्कस किया गया है. द पैलेस्टीनियन लीडरशिप ऑन इट्स पार्ट शुड अंडरस्टैंड द इमर्जिंग रियलिटी ऑफ वेस्ट एशिया. द अरब इज़राइल कॉन्फ्लिक्ट इज कमिंग टू बी क्लोज एंड
But the Palestine-Israel conflict is to continue without any respite. अरब-इज़राइल कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो काफ़ी हद तक क्लोज होने को नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो पैलेस्टाइन इज़राइल कॉन्फ्लिक्ट है वो अभी भी उसके आसार है कि वो लंबे समय तक दिखेगा, है ना, लंबे समय तक चलेगा। इसके अलावा जो है पीस अकॉर्ड क्या है, अरब पीस अकॉर्ड और गल्फ कंट्री से रिलेटेड ये जो इशू है गल्फ नेशन से, उससे रिलेटेड क्या मैटर्स है, यूएई और इज़राइल के बीच क्या डिस्प्यूट चल रहा है, अरब और इज़राइल के बीच क्या डिस्प्यूट है और उसका क्या सोल्यूशन है और कब से चला आ रहा है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होगी। आप पढ़ेंगे इन सारी चीज़ों को, आप मुझे कमेंट सेक्शन में डिस्कस करेंगे इस बात को कि आपने इस बारे में क्या स्टडी किया है। ओके, द नेक्स्ट इज़ गैप्स इन द कैसल ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जो है उसमें कहीं ना कहीं कास्टिंग ऑफ फॉरेन पॉलिसी, तो जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी उसे कास्ट करने में कहीं ना कहीं गैप नज़र आ रहा है, कुछ क्वेश्चन मार्क्स नज़र आ रहे हैं इंडिया इंटरनेशनल रिलेशंस पर। और उसके अलावा जो अभी हमने रिसेंट देखा है LOC LEC नेपाल के साथ जो इशूज़ चल रहे हैं, कॉम्प्लिकेशन जो चल रहे हैं, इवन US से भी अभी थोड़ा वीज़ा वाले मैटर्स पर थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट देखा गया था, तो इन सारे मैटर्स पर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी हम फॉलो कर रहे हैं चाइना के साथ में या फिर रशिया के साथ में या अदर जो हाई टेबल जो UNSC के बारे में डिस्कस किया गया है यहाँ पे, UN सिक्योरिटी काउंसिल। और इसके अलावा जो है काफ़ी जो लाइबिलिटीज़ हैं, जो सिविल लाइबिलिटी लॉ है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है, हमारे क्या बेसिकली क्या हम इस सौरों से बाहर आ पाएंगे, क्या ये जो सब कुछ चल रहा है जिसके कारण वी आर लूजिंग आर सोल्जर्स, वी आर लूजिंग आर डिग्निटी, तो ये जो कॉम्प्लिकेशंस नेबरिंग कंट्रीज के साथ में चल रहे हैं क्या इनको ओवरकम किया जा सकता है, इज़ दिस द वे टू डील विथ अदर कंट्रीज एंड दिस इज़ द ओनली पॉलिसी टू गो फॉर, दिस इज़ ऑल अबाउट इट। तो ये जो पूरा आर्टिकल है ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पर बेस्ड है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पे 110% क्वेश्चन आने के चांस बनते हैं इस बार, क्योंकि हमारे LAC LOC और नेपाल के साथ जो इश्यूज़ चल रहे हैं वो काफ़ी न्यूज़ में रहे हैं, काफ़ी कॉन्फ्लिक्टेड रहे हैं, इसलिए आप इस पर्टिकुलर आर्टिकल को ज़रूर पढ़ेंगे। आपको कोई इशू आ रहा है आप इसे इस तरीके से पढ़िए कि मैं इसे हाईलाइट कर देती हूँ, आप इसके स्क्रीनशॉट्स लीजिए और इसे पढ़िए, बट यू हैव टू गो थ्रू इट। ओके, आप न्यूज़पेपर लीजिए या आपको ऑनलाइन भी ये आर्टिकल अवेलेबल हो जाएगा, तो इस तरीके से आप इस आर्टिकल को ज़रूर पढ़िए बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, सो आज के लिए इतने ही आर्टिकल हम लोग डिस्कस करेंगे। वंस अगेन विश यू वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, थैंक्स फॉर बीइंग विद मी, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड।